ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2020 की साकार मुरली। पहले सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं, समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं, कोई को समझा नहीं सकते, सीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन नहीं सकते। बाबा ने कहा अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूं, माला का दाना बन सकता हूं। अब मुरली सुनते हैं विस्तार से। मीठे बच्चे, ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? उत्तर, कठपुतली। जैसे ड्रामों में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने, अब तुम सीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। गीत है महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको सल ईश्वर मत देवे। बिचारों को यह पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं, हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य देवता बन रहे हैं तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं मनुष्य देवता किए, तो जरूर मनुष्य देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई है एको ओमकार, कर्ता पुरुष निर्भय, तुम सब निर्भय हो जाते हो। अपने को आत्मा समझते हो ना, आत्मा को कोई भय नहीं रहता है। बाप कहते हैं निर्भय बनो, भय फिर काहे का, तुमको कोई भय नहीं। तुम अपने घर बैठे भी बाप की सीमत लेते रहते हो, अब सीमत किसकी कौन देते हैं? यह बातें गीता में तो है नहीं, अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामे कम याद करो। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है, बहुत आकर सीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे आत्माएं भी निराकार है, हम आत्मा है, यह पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं, तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें न हो तो कुछ भी कर न सके। तुम हो चैतन्य खिलौने, खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और यह अविनाशी अमर चाबी है। बाप समझाते हैं मैं देखता ही हूं आत्मा को, आत्मा सुनती है, यह पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बिगर शरीर चल न सके, इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है, 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने कारण चक्र फिरता ही रहता है, यह चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है, जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए से युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो तो फिर चाबी लग जाएगी, अर्थात आत्मा तमो प्रधान से शतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना, अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा, बैटरी खाली होती है फिर उनमें पावर भरी जाती है ना, बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है, अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी, इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए बैटरी खाली हो गई है, शतो रजो तमो में आई है। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं,
तब यहां से बैटरी को भरना है, इनको ह्यूमन बैटरी कहें। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, यह ज्ञान एक ही बाप देते हैं, सदगति दाता वो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हो, जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती है ना, तुम आत्माएं भी ऐसी कठपुतलियों मिसल हो, ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो, फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं, वो तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का, 5000 वर्ष की बात है, तुम समझते हो सीमस से हमको चाबी मिल रही है, हम फूल शतोप्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे, कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा, तुम कितना भी माथा मारो जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देती है, कहां भी बैठे बाप को याद करना है, बल सामने ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाप की याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है, कोई को बिठाने की दरकार नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो, थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं वो मदद करते हैं तुमको, नहीं, हर एक को अपने को ही मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी देवी बुद्धि बन जाएगी, यह टेम्पिटेशन दी जाती है, सीमा तो सबको देते रहते हैं, इतना जरूर है किसकी बुद्धि ठंडी है किसकी तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती, बाप की सीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी भरती जाती है, तमो प्रधान से शतोप्रधान तो जरूर बनना है, इस समय तुमको परमात्मा की सीमत मिल रही है, यह दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो, इससे ऊंच चीज कोई होती नहीं, वहां यह ज्ञान नहीं रहता, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं, दशहरा भी मनाते हैं ना, जब बाप आता है तो दशहरा होता है, 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। तुम बच्चों को ही यह ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारी आत्मा शतोप्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है, फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर शतोप्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं, बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो, ड्रामा चलता रहता है, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है, बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है ना, हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए, यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनना है, बाप ने समझाया है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूं, अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं, किसमें नापास, योग में, ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है, कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो, मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए हैं, अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ईश्वर तो आते ही हैं एक बार, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी, एक देवी देवता धर्म था जरूर, उनको ईश्वरीय मत मिली थी, उसके आगे तो हुआ संगम योग, बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं, तुम अब बदल रहे हो, इस समय तुमको बाप बदलाते हैं, तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे, यह चैतन्य बैटरी है ना, वो है जड़, बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत भी देते हैं, ऊंच ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो, तुम्हारे पास
जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना, ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं, वो है भी सदगति दाता, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं, तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना, शरीर बिगर आत्मा कुछ कर न सके, निराकार बाप भी आए कैसे, गायन भी है, रथ पर आते हैं, फिर कोई ने क्या बेड बनाया है, त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म बतन में बैठ दिखाया है, बाप समझाते हैं, यह सब है साक्षात्कार की बातें, बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना, तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़े, पति दुनिया में ही आकर पावन बनाना है, यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं, समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं, कोई को समझा नहीं सकते, श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन नहीं सकते, जो समझते ही नहीं वो क्या पद पाएंगे, जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑलराउंड सर्विस करनी है, बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं, बहुत बच्चियां तड़पती रहती है सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो, सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हो, अब इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है, हर एक समझ सकते हैं ये फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं, सर्विसोल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती है, क्लास में नंबर वार बैठते हैं, यहाँ तो नंबर वार नहीं बिठाते हैं, फंक हो जाएंगे, समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा, पद नंबर वार बहुत है ना, परंतु वह सुख धाम और यह है दुख धाम, वहां बीमारी आदि कोई होती नहीं, बुद्धि से काम लेना पड़ता है, समझना चाहिए, हम तो बहुत कम पद पा लेंगे क्योंकि सर्विस तो करते नहीं है, सर्विस से ही पद मिल सकता है, अपनी जांच करनी चाहिए, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भल नौकरी में भी हैं, उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करो, हर्जा नहीं है, जो बाबा की दिल पर सो तावसी तख्त पर बैठते हैं, नंबरवार पुरसात अनुसार, ऐसे ही विजय माला में आ जाते हैं, अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं, कोई तो भल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा ना, यह राजधानी स्थापन होती है सीमा से, ऐसा कभी सुना, अथवा पढ़ाई से राजा स्थापन होती है, यह कभी सुना कभी देखा, हाँ दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से राजा ही पद पाए, ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा, किसको पता भी नहीं, बाप समझाते हैं तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इजी, तुम कल्प कल्प समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं, बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में है, तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ, अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे, बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पाठ नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ती ही नहीं, कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है, देवमान से फिर और विकार आते हैं, कड़ी बीमारी देवमान की है, सतयुग में देवमान का नाम ही नहीं होगा, वहां तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध, यही बाप समझाते हैं, और कोई ऐसी सीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो, यह मुख्य बात है, लिखना चाहिए निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो, जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करते हो, अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूं, बाकी सब है भक्ति, अभी विचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है, यह ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं, यह ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं,
जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, सागर से देवता निकला फिर रतन दिया, यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को रतन देते हैं। तुम ज्ञान रतन चुकते हो, आगे पत्थर चुकते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े, अब रतन चुकने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। यह पारसनाथ अर्थात लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम अनेक चित्र बना रखे हैं, वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपति नाथ का मेला लगता है, वो भी पारसनाथ ही है। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देवमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। दूसरा पॉइंट, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है, आत्मविमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव, संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन, जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। अच्छा, ओम।